हाय, मैं हूँ कुणाल केमू और मैं वेब दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ 18 साल पूरा करने के लिए। अब आप एक अडल्ट हो गए हैं, आप वोट कर सकते हैं। आई विश यू मेनी मोर इयर्स। यशराज फिल्म्स की मेगा एक्शन थ्रिलर मूवी टाइगर जिंदा है की शूटिंग पूरी हो चुकी है और दर्शक इस फिल्म के आने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ खुफिया एजेंट्स हैं और ये फिल्म एक था टाइगर से भी ज्यादा धमाकेदार एक्शन का दावा करती है। फिल्म की मोरक्को शेड्यूल शूटिंग में हाई ऑक्टेन एक्शन सीन फिल्माए गए हैं, जिसमें सलमान को घुड़सवारी करना था। सलमान ने इस शानदार एक्शन सीन को शूट करने के लिए सिर्फ 3 दिन की तैयारी की। सीन को शानदार बनाने और सलमान को चोट ना पहुंचाने की बात को ध्यान में रखकर फिल्म की टीम ने एक्सपर्ट्स हॉर्स ट्रेनर्स को फिल्म में रखा, जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी इसी तरह की ट्रेनिंग दे रखी है। निर्देशक अली अब्बास जफर बताते हैं कि सलमान एक ट्रेन घुड़सवार हैं। उन्होंने आईफा अवार्ड से लौटने के बाद सिर्फ 3 दिनों के समय में घोड़े वोड़ो से दोस्ती कर ली और उससे समझ गए। वोड़ो एक शानदार स्पैनिश स्टेलियन है जो हर्डल्स क्रॉस करने, बैरिकेड्स कूदने और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। हमने घोड़ों के साथ सलमान के कई रिस्की सीन शूट किए हैं। वोड़ो और सलमान का एक दूसरे को समझने से हम इस शूट को जल्द खत्म कर पाए। हमने इसके लिए 8 दिनों तक शूट किया और ट्रेंड घोड़ों के साथ शूट करना वाकई आसान काम हो गया।